राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं बना रही हूँ गाइस कटलेट। कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले आलू लेंगे बॉयल किए हुए। बॉयल करने के लिए मैंने आपको बताया था किस तरीके से बॉयल करना है आलू। आलू डाल के उसमें एक गिलास पानी डाल के और उसमें दो सीटी लगा के गैस को सिम कर देंगे और इस तरीके से आप आलू को अच्छे से बॉयल कर सकते हैं। तो 15 मिनट बाद खोलिए कुकर में, आलू आपका परफेक्टली अच्छे से उबल जाएगा। अब इसको छीलने के बाद इसको मैश कर लेंगे। आलू ध्यान रहे ठंडा रहना चाहिए। तो अब ठंडे आलू में आप मिलाइए लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा तीखा बनाने थोड़ा और डाल दीजिए धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक इसमें डाल रही हूँ मैं 1.5 टीस्पून और आमचूर पाउडर 1 टीस्पून और हींग 1 चुटकी। तो गैस मैं जो कटलेट बना रही हूँ 4 लोगों के हिसाब से बना रही हूँ, तो आप इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो 1 टीस्पून इसमें हींग डाल देंगे। अगर हरी मिर्च ज़्यादा तीखा खाना है तो आप इसमें 2 डालिए, मैं इसमें 1 डाल रही हूँ और इसमें डाल देंगे हरा धनिया। हरे धनिया से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो अदरक भी डाल सकते हैं, नहीं तो वो स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कटलेट प्याज वाले खाने हैं तो आप इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप विदाउट प्याज बना सकते हैं। तो गाइस मैं विदाउट प्याज कटलेट बना रही हूँ। कटलेट बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। आप मेरी पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ कटलेट इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो लीजिए आलू का भरता बनकर तैयार हो गया। आलू का भरता गाइस इस तरीके से आप बना सकते हैं और इसको रोटी के पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो मैंने एक साथ 2 वीडियो आपको शेयर की हैं, तो आप आलू का भरता भी इस तरीके से ही बना सकते हैं। तो भरते की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट पर बताइएगा। अब बनाएंगे चटनी। सो गाइस चटनी बनाने के लिए डालेंगे हरी मिर्च, जो मैं इसमें डाल रही हूँ 4 हरी मिर्च और धनिया, उसको मैंने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद इसमें डालेंगे 2 बूंदी लहसुन की और 1 टीस्पून इसमें टर्मरिक पाउडर नहीं डालना है और इसमें डालना है आमचूर पाउडर और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और पानी और इसमें स्वाद अनुसार नमक और चाहे तो इसमें थोड़ी सी हींग डाल सकते हैं या मूँगफली के दाने डाल सकते हैं, थोड़ा सा दही डाल सकते हैं। तो चटनी इस तरीके से आप परफेक्टली बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो लीजिए चटनी बनकर तैयार हो गई है। इस तरीके से गाइस बनकर चटनी के साथ ही आपको नाश्ता अच्छा लगता है, चाहे कोई भी नाश्ता हो, नाश्ते में आपको चटनी के बगैर नहीं खा सकते हैं और बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगेगा। तो गाइस इस तरीके से आप चटनी बना सकते हैं। तो आपको चटनी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलते हैं बनाते हैं कटलेट। कटलेट बनाने के लिए कड़वे तेल में बनाएंगे गाइस। कड़वा तेल गर्म हो रहा है, मैंने लिए ब्रेड और ब्रेड को इस तरीके से रख लेंगे और रखने के बाद आप देख सकते हैं मैंने लिया है पानी। पानी लेंगे नॉर्मल टेम्परेचर का। तो पानी में क्या करेंगे गाइस, ब्रेड को भिगो देंगे, नहला देना है ब्रेड को और नहलाने के बाद इसको दोनों हथेलियों से अच्छे से दबा लेना है। तो अच्छे से जब दबाएंगे तो पानी इसका निकल जाएगा। और जो मैंने भरता तैयार किया था मसाला अंदर कटलेट के भरने के लिए मसाला ग्रेट, तो इसलिए मसाले वाला आलू जो चटपटा मसालेदार है, जो आप इससे रूखा भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है गाइस। जिसके स्वाद का हम बता नहीं सकते हैं कि कितना बेहतरीन आलू लगता है। अगर आपको इसमें पूड़ी मिल जाए तो पूड़ी के साथ भरता खाइएगा तो उसका स्वाद 4 चांद लगा देगा। तो इस तरीके से लीजिए गाइस गोल गोल बनकर हो गया है कटलेट तैयार। तो इस तरीके से गाइस कटलेट आप बना सकते हैं। तो मैं कटलेट की वीडियो शेयर कर रही हूँ, इस तरीके से 2 कटलेट मैं दिखाऊंगी और आपकी कटलेट इस तरीके से आप सारे कटलेट बना सकते हैं। आप चाहे जितनी भी वीडियो बनाएं तो, और लेकिन कटलेट आपको मेरे हाथ के बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो इस तरीके से गाइस एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। आप कौन सी जगह से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं प्लीज़ बताइएगा। और उस तरीके से गोल गोल शेप कर देंगे। चाहे तो आप इसकी ब्रेड की किनारी भी निकाल सकते हैं। तो किनारी गाइस निकालिएगा नहीं, क्योंकि अन्न की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। तो अन्न की जो बर्बादी करता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। तो इसलिए गाइस इसको मैं बर्बाद ना करते हुए लीजिए बना लिए मैंने फटाफट कटलेट गोल गोल और इसका किनारी नहीं निकाली है। अब डाल देंगे गरम तेल हो गया है ऑयल को, गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे और लो फ्लेम पर करने के बाद इसकी दिशा चेंज कर देंगे, इसको पलट देंगे।
तो लीजिए मैंने कटलेट को इस तरीके से पलट लिया है, और पलटने के बाद आप इस तरीके से गाइस कटलेट बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इस तरीके से गाइस आप बनाइएगा कटलेट और सबको खिलाइएगा। आपके यहाँ कोई गेस्ट आया हुआ है तो इस तरीके से आप बना कर खिला सकते हैं। तो लीजिए गाइस कटलेट सेक लिया है, और इसको लो फ्लेम पर ही सेकना है क्योंकि ये ब्रेड है और ब्रेड बहुत ही जल्दी जल जाती है। तो गाइस इस तरीके से आप कटलेट आप बना सकते हैं और सर्व कीजिएगा। सच मानिए वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, कटलेट बहुत ही खाने में स्वादिष्ट बेहतरीन लगेगा, और इस तरीके से गाइस आप बना सकते हैं। तो लीजिए बन के तैयार हो गए, मैं सर्व कर ले रही हूँ, और सर्व करके आप इस तरीके से खाइएगा। तो अभी है गरम, और लीजिए मैंने एक एक करके निकाल रही हूँ कढ़ाई से। तो इस तरीके से गाइस आप जितने भी आपके पास ब्रेड हैं और मसाला आलू का हो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो इसमें गाइस ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता है और कम तेल में ही आप बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने तेल की क्वांटिटी कितनी कम ली है। तो लीजिए मैंने सर्व कर लिया है, और कटलेट आपको कैसे लगे, आप इस टमाटो केचप हो तो उससे भी खाइएगा, और हरी चटनी हो तो उससे भी खाइएगा। तो गाइस इस तरीके से मैं एक कटलेट को इस तरीके से काट कर दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से बीच से चाकू से काटेंगे, तो अंदर जो मसाला है अगर आप चाहें तो चाकू से काटने के बाद देख सकते हैं कि इसमें हरी मिर्च तो नहीं है। अगर हरी मिर्च है मुँह में आ जाएगी तो तीखा लगेगा। तो इस तरीके से आप हरी मिर्च को निकाल सकते हैं, और इसमें लगाएंगे गाइस चटनी, और चटनी और इसके ऊपर लगाए टमाटर केचप हो तो वो भी लगाइएगा, मैंने स्किप कर दिया। तो लीजिए बनकर तैयार हो गया है गाइस। आप मेरी वीडियो कौन सी जगह से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं, राधे राधे, जय श्री श्याम।